नमस्कार, ओम साई राम दर्शकों, मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी आपके सामने लेकर आया हूं एक डिवोटी को, जो कि हमारे साथ में जुड़े हैं यहां कोलकाता में, मगर वो आए हैं शिरडी से। तो हम स्वागत करेंगे सदा भैया का, जो कि शिरडी से आए हैं यहां पर हमारे इस बुक लॉन्च के प्रोग्राम में, मिरेकल्स ऑफ साई फॉरएवर एंड बियॉन्ड। तो सदा भैया के बारे में मैं दो शब्द कह दूं बिफोर वी स्टार्ट। सदा भैया बाबा के ऊपर में 30 साल से ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने ना केवल शिरडी बट शिरडी के इर्द गिर्द और इवन आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल किया है। विनी चितलूरी जी, जिन्हें वो अम्मा कहते हैं, विनी अम्मा के साथ में उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल किया है और बाबा के बारे में इतना मटेरियल कलेक्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, राइट अप, स्टोरीज, इंटरैक्ट किया है उन लोगों के साथ में, उन फैमिलीज के साथ में जब बाबा हमारे सामने जीवित थे। बाबा को सिर्फ हमारे बीच से पार्थिव शरीर छोड़े हुए 104 वर्ष हुए हैं। तो ये एकदम प्राचीन, बिल्कुल नए बाबा है जो हमारे सामने हैं, और इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हम आज तक नहीं जानते कि बाबा कहाँ से आए थे हम और कहाँ गए। इसीलिए हमने ये किताब में उन्हें नो संबोधित किया है, मिरेकल्स ऑफ साई फॉर एवर एंड बियॉन्ड। हमारे इमेजिनेशन के बाहर है वो हमेशा सर्वव्यापक है, हर जगह है और हर जीव जंतु के अंदर में है। तो चलिए हम स्वागत करेंगे। ओम साई राम। सदा भैया, ओम साई राम। सदा भैया थोड़ा सा बताइए कि बाबा से आप कैसे जुड़े, शिरडी आप कब आए, किस वर्ष में, और किस प्रकार आपका बिलीफ जुड़ा उनके साथ में। एक्चुअली शिरडी से जुड़ना मेरे फादर के टाइम से, मेरे फादर का जन्म 1927 का था, तो 1941 में वो फर्स्ट टाइम शिरडी में आए थे। उसी फादर के बाद ऐसे पूरा हमारा फैमिली धीरे 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 शिरडी आना शुरू हो गया। लेकिन मैं बाबा से जुड़ा 1992-93 के टाइम पे, जब मैंने कल आपको बात भी किया था कि मेरा जब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, उस चक्कर में मैं बाबा से, मतलब बाबा से रूबरू हुआ 93 में उस, और वो बाबा से मिलवाया मेरे विनी अम्मा ने। क्या हुआ था ना, हमने जब द्वारका में मैंने जाना शुरू कर दिया, माँ के साथ जुड़ना शुरू कर दिया, तो हम फोटोग्राफ्स बहुत खींचते थे हर चीज़ का। मेरा काम था माँ का बैग पकड़ना, या कोई डीओटीज आ रहा है तो साइड में रखो, या फोटो, पता नहीं क्यों फोटोग्राफ्स हम निकाल रहे हैं और क्या है इसका पीछे, विनी अम्मा को भी मालूम नहीं और मुझे भी मालूम नहीं, जस्ट हम खींच रहे। तो ऐसे करते ना हमको कोई साइड डीओटीज मिल गया कि आप फोटो एग्जीबिशन शुरू किया, पूरे इंडिया में हमने ना फिर वो फोटो एग्जीबिशन शुरू कर दिया। मुझे सुजय जी एक बात कहना है कि बाबा आज भी आते हैं और बाबा किस फॉर्म में आ सकते इसका है ना, एक हमारा है ना 2000 में सितंबर में एक एग्जीबिशन हुआ था लंदन में, पूरे वर्ल्ड से साई डीओटी आए थे, वहाँ पे विनी अम्मा का और हमारा बहुत बड़ा एग्जीबिशन, फोटो एग्जीबिशन किया था हमने 2000 में सितंबर में। तो मेरे एक फ्रेंड है हमारे, बहुत पुराने फ्रेंड है, गिरीश मोड़ा करके, तो जब मैं शिरडी से निकलता था ना, वो 15 दिन से ही मुझे बोयला बोलते थे, सदा आते टाइम बाबा का तीर्थ लेके आना, बाबा का थोड़ा सा उदी लेके आना और बाबा का एक शॉल लेके आना। मैं बोला यार ये गिरीश भाई हर साल आता है लेके जाता है, लेकिन इस टाइम मेरे को इतना फोर्स क्यों कर रहा है इसके पीछे। तो माँ बोलती, बोलते हैं ना वो गिरीश ले लेना, तेरे को क्या तकलीफ है कि एक शॉल ले, एक पैकेट लेने के लिए। मैं बोला नहीं, हमारा इतना एग्जीबिशन का बैग है, ये क्यों लेके जाना है और ये क्यों कर रहा है। बोलता है नहीं ले ले ले, बाबा का चीज़ है, तुझे क्या है, एक हैंड बैग में डाल के ले ले। तो हमारा हीथ्रो एयरपोर्ट के पास बड़ा हॉल था, वहाँ पर एग्जीबिशन हुआ होगा, तो एग्जीबिशन हुआ हमारा, 3 दिन एग्जीबिशन चला वहाँ पे लंदन में। तो फिर वो लगा नहीं अभी ना वो एग्जीबिशन हो गया, हम ऑलमोस्ट वहाँ पे 15 दिन थे, तो एक काम करना है हमको, एक कैंसर हॉस्पिटल में मीट करना है। तो मैं ठीक है चलो मीट करते हैं, मीट करना है, किसको मीट करना है। तो एक मखीजा करके थे, उनको मैं मखीजा अंकल बोलता था। तो हम हॉस्पिटल में गए, बड़े 4 स्टेज का कैंसर था उनको, बड़े सीरियस थे वगैरह। तो ये जो गिरीश है ना, उसको हर थर्सडे को मिलने के लिए जाता था, उसका कोई रिलेटिव नहीं कुछ नहीं, बस उसको मीट करना है यार, किसी को इंसान को अच्छा लगता है तो मीट करना है। तो ऐसा मीट करता था,
फिर वो बोला क्या विनी आंटी और वो माँ को विनी आंटी बोलता था, विनी आंटी और सदा आप उसको ये बाबा का तीर्थ देना है, उसके ऊपर बाबा का शॉल डालना है और बाबा का प्रसाद खिलाना है। चलो ठीक है खिलाते। तो फिर हम वहाँ पे ऑलमोस्ट गिरीश में और माँ उनके साथ ऑलमोस्ट हमने 2-3 घंटा स्पेंड किया, पता नहीं। फिर हम चले आए और उसी रात को है ना वो जो मक्खी जानकल था ना, कुछ अपने इंडियन लोगों को तो आपको पता है ना, कुछ जैसे यहाँ पे रहते वहाँ पे भी इतना मतलब। तो उसके बाजू में एक ब्रिटिशर था, बोलता है दिन भर तुम्हारे लोग आते, उसकी बात करते हैं, दिन भर तुम्हारे लोग आते हैं और रात को भी तुम इंडियन लोगों को अक्कल नहीं क्या, रात को भी आके परेशान करते। तो बोलता रात में कोई नहीं आया था। तो बोलते नहीं एक दाढ़ी वाला आता है और तुम्हारे ऊपर ऐसा ऐसा कुछ करता है, पता नहीं क्या करता है। कल रात को तो वो सफ़ेद बाल वाली लेडी आके गई, वो कुछ दे के गई और फिर रात में एक आदमी आता है और तुम्हारे ऊपर ऐसा ऐसा कुछ करता है, ऐसा 2 दिन से हो रहा है और मुझे नींद नहीं आता है उसको देख के। तो वो बहुत परेशान होता है, दाढ़ी वाला है यार, पता नहीं कौन सा अगली ड्रेस में रहता है वो। तो बोलता है क्या कौन? तो फिर गिरीश मुझे बोलता है क्या, अरे यार सदा रात में कुछ कोई जाता है यार, इसका तो कोई है ही नहीं, कौन जाएगा। तो फिर 2-3 दिन के बाद फिर बोलता है कि चलो वो फोटोग्राफ्स ले, हम बाबा का फोटोग्राफ्स दिखा दे उसको, वो दाढ़ी बीड़ी बोलता है तो कुछ है। तो हम फिर हम वो मक्खी जानकल को मिलने के लिए जाते, तो बोलता है ये आया था क्या? बोलता हाँ। तो वो गिरीश बोलता है अरे वो उसका ग्रैंडफादर है। तो उसका ग्रैंडफादर है, वो ग्रैंडफादर उसको ना बहुत प्यार करता है, वो देखने के लिए आता है उसको नाइट में। सुजय भाई मैं बोलता मक्खी जानकल तो उसके बाद ठीक हो गए, 10 साल रहे हो 4 स्टेज के कैंसर के बाद 10 साल रहे हो, लेकिन आपको पता है उसके जो ब्रिटिश का है ना 3 दिन के बाद है ना उसका ना पेट स्कैन करने वाले थे फाइनली। वो जब वो गया और पेट स्कैन गया वो हैप्पीली नाच के आ रहा था, तो डॉक्टर भी शॉक, अरे इसका कैंसर जा कैसा सकता है। मतलब आप सोचो क्या, जिस वो जो आदमी ने बाबा को 2 बार देखा, वो पता नहीं क्या कर रहे थे बाबा, उसको उस आदमी को ब्रिटिशर्स को मालूम है, मखीजा को कुछ मालूम नहीं और किसी को कुछ मालूम नहीं, बस वो बोलता है ऐसा ऐसा कुछ करता है उसके ऊपर, और वो ब्रिटिशर्स का कैंसर वो चला गया था बाबा को जस्ट दर्शन से। आप सोचना कि वो मतलब क्या पावर होगी उस दर्शन में, और उसका कोई लेन देन भी नहीं, उसको क्या मालूम नहीं। फिर वो गिरीश उसके साथ बात करता है, अरे ऐसा ऐसा है उसको जैसे बोला ना चरित्र पढ़ने के लिए देता है। वो ब्रिटिशर्स भी ना हमारे यहाँ पे ना 2005 में हमको मिलने के लिए आया था, एकदम परफेक्ट। मतलब अभी जो शोमा दीदी उसके बारे में बात कर रहे थे ना, एक आयरिश को जस्ट एक फोटो कार के पीछे या बस के पीछे बाबा का फोटो देखने से उसको बाबा ने बचाया, उसके कितने जन्म के होगी तपस्या या किस पिछले जन्म में बाबा से क्या उसका रिलेशन होगा, वैसे ही ब्रिटिशर से कोई लेन देन नहीं था कि जस्ट उसको बाबा को दर्शन करने से। वो मुझे यही बताना है क्या, हम जिस भगवान को या जिस परब्रह्म को पूज रहे उसके दर्शन मात्र से अगर उसका कैंसर चला जा सकता है, इससे बड़ा क्या मेरे का मतलब हो सकता है अपने। और वो उसकी गवाह मैं हूँ, विनियामा तो अभी बेचारी नहीं, और हमारे सामने हुआ है, ऐसा नहीं क्या। मक्खीचा अंकल 4 स्टेज के कैंसर, बेड के ऊपर था, उसके साथ 10 साल रहे वो, 2010 में या कुछ उनका देहांत हो गया, उसके बाद मैं लंदन नहीं गया फिर, लेकिन मतलब और मखीजा का कोई नहीं था उसको देखने के लिए, ऐसे गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल में था वो लंदन में। ये ऐसी बाबा का चमत्कार एक लीला ऐसा मुझे ना वो आयरिश के बारे में बोला ना, मैं सुजय के बोला मतलब वो स्टोरी बोलना यार, हमने कहाँ पे बोला नहीं स्टोरी, मैंने आज तक पता नहीं, ऐसे ऐसे याद आया कि इसके बारे में मुझे बात करना है। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और एक स्टोरी ना शिवनेशन स्वामी थे अपने उन्होंने माँ के साथ शेयर की थी, वो भी मैं वो लड़के से भी मिला हूँ, साउथ अमेरिका में हुआ था। एक लड़के को है ना ब्लड कैंसर रहता है, छोटा 11 साल का लड़का, लेकिन उसको है ना हमेशा एक आदमी है ना मतलब उसको ड्रीम में है ना वो बोलता है सांता क्लॉज आता है मेरे ड्रीम में और मुझे है ना कुछ ऐश देता है। साउथ अमेरिका में किसे रबूदी क्या मालूम है, किसको क्या मालूम है, जस्ट वो बोलता है मुझे एक सांता क्लॉज आता है और मुझे ऐश देता है और बोलता है ऐश पीना,
पानी में डाल के ऐश पीना। अरे उसका, और वो बोलता है तुम मेरे पास चले आना। वो लड़का को बाबा ड्रीम में बोलता रहता है मेरे पास चले आना। तो पता नहीं वो बोलता है क्या, उसके फादर को हर टाइम बोलता रहता है, और वो उसका ना पिक्चर कैच करता है वो लड़का, ऐसा दिखता है वो। उसका फादर बोलता है ये मरने वाला है ब्लड कैंसर से, शायद उसको कुछ हेलुसिनेशन ऐसे आता रहता होगा, शायद उसको कुछ होता है। तो कंटिन्यूसली आता है। तो क्या होता है ना, एक दिन है ना उसका फादर है ना मार्केट से चला जाता है, वहाँ पे उसको एक इंडियन शॉप दिखता है, और वो आगे जाके ना फिर चला आता है पीछे, वहाँ पे है ना बाबा के एक पिक्चर लटका रहता है। वो पता नहीं, वो बोलता है कौन है, बोलता मुझे भी मालूम नहीं, बट कोई मुंबई के पास शिरडी है उधर का संत है, सेंट है, बोलता ये पिक्चर मुझे दोगे, बोलता तो क्या करना है, बोलता नहीं मेरे लड़के को ना ये पिक्चर दिखाना है मुझे। तो बोलता क्या, हाँ ठीक है दिखा दो, लेके जाओ, मुझे भी किसी ने ला के दिया है, मुझे नहीं मालूम कि किसने ला के दिया है। तो फोटोग्राफ्स लेके आता है, बोलता ये का, बोलता ये मुझे ना, बोलता क्या अभी इंडिया वो शिरडी किधर है, इंडिया के में उसको इंडिया तो मुंबई तो मालूम है सबको, लेकिन तो बोलता है क्या जैसे वो मेरा लास्ट विश है मुझे उसको देखना है, लास्ट विश है मुझे ये सांता क्लॉस को देखना है। वो लड़का सांता क्लॉस ही बोलता है उनसे इसको देखना है। तो उसका भाभी फादर बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं चलो हम क्या करते हैं ना फाइनली ना इसको अभी लास्ट विश है उसको लेके जाते हम इंडिया लेके जाते अभी इंडिया में खाने का क्या ये क्या वो क्या। जैसे वो इंडिया पहुँचते बाहर आते तो सब टैक्सी के ऊपर वो दिखता है, बोलता है इधर जाना है, उसको शिरडी भी बोलने को नहीं आता इधर जाना है। तो बोलते क्या कुछ उस टाइम पे इतना सुविधा नहीं था, ये मैं बात कर रहा हूँ 71 की, ये हुआ था 71 में। तो कैसा टैक्सी करके बेचारे वो शिरडी पहुँचते, तो उस टाइम पे ना आई थिंक वो MTDC होटल में आई थिंक रहते उस टाइम पे, तो रूम लेते। तो बोलते क्या वो MTDC वाले इसको ये संत को मिलना है, अभी उसको इंग्लिश नहीं आता है क्या बोलेंगे यार किसको मिलना है क्या, बोलता है जाओ उधर समाधि मंदिर के पास जाओ उधर मिलेगा होटल वाला उसको बोलता है। तो उसका नसीब या कुछ उसका लक फैक्टर बोले तो वो शिवनेशन स्वामी के चावड़ी के पास मिलता है। अब शिवनेशन स्वामी को जानते हो ना, उनको चावड़ी के पास मिलता है, बोलता है इनको मिलना है। स्वामी जी उसको देखते हैं और हंसते हैं, तो बोलते अभी उस वो नहीं मीट कर सकते, उनका 1918 में समाधि हो गया है। तो बोलते अभी, बोलते कुछ नहीं। तो स्वामी जी को क्या क्या प्रॉब्लम है समझ में आता है, स्वामी जी बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते थे तो उनको समझ में आ गया। तो बोलते इनका वो तो पसीना हो गया, अभी इसकी लास्ट विश है उसको मीट करना है, तो क्या ऐसा करना है। बोलते कोई बात नहीं, उसको समाधि मंदिर लेके जाते द्वारका में लेके आते, उसका समाधि हो गया। वो लड़का धुनी को देख बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है इधर बैठ के वो इसी का ही ऐश मुझे देता है, वो सांता क्लॉस इसका ऐश देता है मुझे। फिर स्वामी जी को वो बोलता है, स्वामी जी बोलता है वो लड़के से बात करते हैं, स्वामी जी क्या क्या हुआ कैसे कैसे हुआ। बोलते देख वो मुझे पानी में पिलाते हैं, फिर वो बाबा का तीर्थ देते, वो तीर्थ में बाबा का मंगल स्नान का तीर्थ और उदी मिला के भी दे। मतलब वो ना 16 दिन रहे थे शिरडी में, और 17वें दिन उनको रिटर्न जाने का था, 18वें दिन वो चले गए, और 29 डेज में उनको स्वामी जी का लेटर आता है कि हमारे लड़के का कैंसर ब्लड कैंसर खत्म हो गया। जय साईं नाथ। मतलब वो लड़का बहुत टाइम तक माँ के पास भी आता था, फिर अभी शायद बड़ा हो गया होगा, अभी 70 मतलब वो 65 का कुछ तो होगा। उसके बाद वो एक बार उसका लेटर भी आया था आई थिंक माँ को मिलना है, बट बाद में मेरा उसके साथ कांटेक्ट नहीं था। तो मतलब ये स्टोरी अम्मा ने मुझे ऐसे स्वामी जी का एक टाइम 12 फरवरी को उनका वो रहता है समाधि दे, तो उस टाइम पे हम उस समाधि को मैं नहला पानी नहला रहा था, तो उस टाइम में अम्मा ने मुझे स्टोरी शिरडी में बोली थी। ओम साई राम। ओम साई राम। और क्या मतलब जैसे शैलेश भाई गए थे उन्होंने भी बोला था, सबको लगता है क्या जैसे हम सोचते क्या हम बाबा को, मैं अभी मेरे बारे में बोलता हूँ कि सबको लगता है ना हम बाबा को एक बार पूजा करना शुरू कर देता, गिव एंड टेक का चलता है, जैसे मैंने बाबा के लिए कुछ किया तो मैं बाबा मेरे लिए करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब कभी कभी ना मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस में मतलब बात करना चाहता हूँ कि बाबा के उस टाइम के भक्तों को भी प्रॉब्लम आता था,
जैसे हम चरित्र पढ़ते हैं ना, बहुत चरित्र है ना, हमारा चरित्र जो है ना पारायण के लिए बना है, ना कि वो बाबा का अगर लाइफ स्टोरी बोलने के लिए जाएंगे तो कितना बड़ा चरित्र हो जाता था, इसका कोई लिमिट नहीं। मैंने उस दिन संदीप जी से के साथ वही बात कर रहा था, जब हम फ्लाइट में बैठे थे ना, बोला कि ऐसा ऐसा चरित्र मतलब उस भागवत नवनाथ ग्रंथ सार इसके हिसाब से पारायण से बनाए, हर चीज़ पूरा दे नहीं सकते इसे। उसको ये एक एक समझाया मैंने, एक मिनट होता है उसमें 60 सेकंड होते, 60 सेकंड में एक आवर में 60 मिनट्स होते, 24 घंटे में बाबा 65 ईयर शिरडी में रहे, उसको क्या चरित्र मतलब क्या एक 9000 लाइन में क्या लिख सकते चरित्र, 9000 समथिंग कुछ है बाबा का, वो भी उसमें 9000 लाइन में क्या बाबा का चरित्र लिख सकते। तो चरित्र बनाया गया है पारायण के ऊपर। तो हमारा क्या हुआ ना, ये जब हमने एग्जीबिशन शुरू किया, माने बुक लिखना, पहला बुक्स आया अमर उज्जैन शिरडी, आपने देखा होगा वो, तो इसमें ना माँ पता नहीं सेकंड बुक लिख रहे थे ना, माँ को इंटरेस्ट आने लगा कि सदा ये सब चीज़ें ना मुझे अधूरी अधूरी लगती, अधूरी अधूरी। मैं बोला क्यों, बोलते हर चीज़ में ना, जैसा वो लड़का बाबा को सामने बैठा है, बाबा वो बाबा के सामने बैठ के कोई भी चीज़ दे सकता है, लेकिन वो उसका फादर भूल जाता है, उत्तरकड़ कलर का 9 चैप्टर में वो भूल जाता है कि बाबा को तुम्हारा मेरे फादर ने शुगर दिया नहीं, तो ये कुछ तो चीज़ें अलग अलग, कुछ तो इसके पीछे राज हो गए यार, मेरे को ये चाहिए, ऐसे ऐसे माने वो। फिर हमने ये पूरा आपके सामने रिजल्ट आया कि खोजना शुरू कर दिया। तो मैं ना, मेरे सबसे फेवरेट डिओटी है ना बाबा के, इसमें नाना साहब चंद्रकर, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको। आज जो हम शिरडी का स्वरूप देखते हैं उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, मतलब उसका इतना अधिकार था कि जो बाबा की मतलब बाबा किसी से तेल लेके देते थे, ग्रोसरी लेते थे, वो बाबा का पैसा वो आने के बाद चुका देते थे, मतलब उसका लेवल क्या होगा, जो बाबा हम सब जाके बाबा से मांगते हैं बच्चा दे दे, नौकरी दे दे, पैसा दे दे, और वो जो बाबा का पैसा वो चुका रहे, मतलब उसका क्या मतलब लेवल होगा। तो उनके बारे में मेरे थोड़ा सा बात करना है, जैसे चरित्र हम पढ़ते बाबा टांगे वाला बन के जलगांव से जामनेर जाते, ये स्टोरी बहुत हैप्पीली उसकी लड़की को बच्चा पैदा कर देती, लेकिन इसकी सैड स्टोरी किसको मालूम नहीं रहते, वो हमने ढूंढना शुरू, मतलब ये हमने उसका पार्ट सुना। आपको पता है सुजय भाई, वो लड़का जब पैदा होता है ना, उसके दिन के बाद कुछ दिन के बाद मर जाता है, वो महीना तक एक हस्बैंड मर जाता है, महीना तक पागल हो जाती। तो नाना साहब चंद्रकर है ना, बहुत टेंशन में आके बाबा के पास आके बैठते क्या बाबा मेरा दामाद मर गया, मेरा नाती मर गया, और मेरा लड़की महीना तक दिमाग खराब हो गया उसका, ये सब देख के ये क्या चल रहा है। तो बाबा उस टाइम पे क्या बोलते पता है उसको, नाना अगर तू तेरे घर के प्रॉब्लम लेके अगर तुझे लगता है मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आने का नहीं, तुझे ज़रूरत नहीं। उसके बाद नाना ने बाबा से कभी भी बोला नहीं कि ये मेरा प्रॉब्लम है। उस टाइम पे आपको पता है 10,000 लोग शिरडी में आते थे, वो उसका टेंट लगाना, उनका खाने का ये सब बंदोबस्त नाना करता था। इनफैक्ट आपको आपने पढ़ा होगा कि नहीं, मुझे ये नहीं मालूम सुजय जी, जब ट्रेन मतलब ट्रेन आता था ना शिरडी आने के लिए, बहुत लोगों को तकलीफ होता था, नाना साहेब चंदोरकर ने अपने भाई के लड़की को वहाँ पे ना टांगा बना के दिया था, क्या जो लोग शिरडी आते तुमको लेके आना है जोड़ना है, इतना काम उस बंदे ने किया है। वही मेरे को क्यों बोलना है ना, बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स बोलते यार सदा तू इतने साल से बाबा को करता है तुझे प्रॉब्लम्स क्यों आता है, मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ, मेरा और बाबा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि मैं उसकी पूजा करूँ तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करे, मेरे उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरे को बाबा की ज़रूरत है, मेरे जैसे लाइन में करोड़ों में उसके साथ। तो मुझे यही बोलना है क्या, कभी कभी बाबा बहुत टेस्ट लेता है, मतलब उस टेस्ट जैसे सुजय भाई ने शैलेश भाई ने भी बोला कि श्रद्धा सबूरी रखना है, मतलब मेरा ये छोटा सा ना 4 साल के एक ये बता दो, मेरे ऊपर बहुत सारा लोन था, मतलब मेरा प्रॉपर्टी पूरा सील कर दिया था बैंक ने, और 17 मार्च को मेरा ना नीलामी होने वाला था, 4 साल पहले के बाद मैं हाईकोर्ट में गया, स्टे लेके आया मेरे प्रॉपर्टी को। मेरा एक फ्रेंड है मतलब सुजय भाई ना, वो कंजूस मारूड़ी, मतलब 1 रुपये, और मेरे को ना बैंक ने बोला कि तुमको
इतना इतना लैक्स भरना है तुरंत, वो अमाउंट मतलब अबाउ 50 लैक्स तुमको भरना है। मैं बोला यार क्या करना, मेरे फैमिली सब बोलते हैं कि तू टेंशन क्यों नहीं लेता है। मैं बोला वो है ना, अगर उसको लगता है ना मैं ठीक रहूँ तो वो देख लेगा। मेरी वाइफ माँ विनी माँ भी बोला तू पागल है क्या सदा, तुमको टेंशन क्यों नहीं आता है मेरे से पैसा। मैं बोला नहीं क्यों, आपका एज ऐसा नहीं कि मैं पैसा ऐसा आपका क्यों मतलब वो करेगा ना, वो मैंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, इधर तक आएगा ना देख लेगा। सुजय भाई अब 17 तारीख आ रहा था, मेरा ऑक्शन होने वाला था मेरा प्रॉपर्टी का, पूरा प्रॉपर्टी जितना मैंने मेहनत से कमाया सब ऑक्शन में जाने वाला था। और जो मेरा फ्रेंड है ना वो जब भी बाबा के सामने जाता है जाते है सदा को हेल्प कर तू, उसको आवाज आता था, वो पूजा भी नहीं करता था, वो डरता था, उसके सामने जाऊँ तो आवाज सदा को हेल्प कर, तू सदा को मदद कर। सुजय भाई उसने क्या किया पता है क्या, यार बोलते हैं मैं हाईकोर्ट से बाहर निकला, मैं बोला 4 वीक दिया मेरे को, ये 17 तारीख से पहले की बात बोलता हूँ, बोला विद इन आपको 4 वीक्स में इतना इतना पैसा भरना है, अमाउंट नहीं बोलते लेकिन अब 50 लाख अब सर मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है उठा मतलब, तो क्या करना है क्या करना है। तो बोलता है यार मेरे को मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं क्या करूँ, बोलता है लेकिन बाबा मुझे ना उसके सामने नहीं आने देता है, बोलता है तू सदा को मदद कर, आपको झूठ लगेगा। सुजय भाई उसने ना 1 महीने के अंदर अपने प्रॉपर्टी के ऊपर जितना मेरे को अमाउंट का चाहिए ना उतना लोन लिया और 16 तारीख का मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, और 17 तारीख को बैंक को बोला ये पैसा आपका है, मेरे को इतना दिन, ये बाबा का पावर है। और उसको बाबा ना सोने ही नहीं देता था, उसके सामने जाए अगरबत्ती लगाने के लिए तू सदा को हेल्प कर, तू सदा को हेल्प कर, और वो कंजूस मारोड़ी मतलब वो अपने बच्चों को भी 1 रुपये नहीं देगा, उतने मेरे को इतना पैसा दिया उस टाइम पे, मतलब ये सब बाबा करता है। उसके बाद मुझे पैसा मिल गया वो तो तुरंत मैंने वो हो गया मेरा प्रॉब्लम, लेकिन अपने हर कष्ट में ना उसको मालूम है कितने लेवल में जाके इसको तंग करना है, यहाँ तक पानी आने रहा फिर अभी छोड़ दे, लेकिन आज भी प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन मैं बाबा से ना सही में एक मैं बोलता हूँ, मैं बाबा को कभी नहीं बोला कि मेरा बाबा मुझे ये चाहिए मुझे ये करवा दो, उस मैं कभी कभी उसको भी बोला था एक दिन कि मैं बोलूँगा बाबा मेरे को 10 लाख दे, क्या मालूम बाबा ने मेरे लिए लाइफ में 10 करोड़ लिख के रखा है, मैं 1 लाख में क्यों हूँ 10 लाख में क्यों समाधान करूँ। मैं बाबा को कभी बोलता नहीं मेरे को ये कर दे वो कर दे, मैं बाबा से मांगता ही नहीं, मतलब सही में मैं कभी बाबा से कुछ मांगा नहीं, एक ही मांगा मुझे हमारे फैमिली में ना डॉटर ही नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम मैं बाबा से बोला कि मेरे को एक डॉटर चाहिए तू वो दे बस, और वो मेरे लाइफ में 4 साल पहले नंदिनी आ गई बस। नहीं तो मैं बाबा को आज तक सही में मैं उसके सामने जाता हूँ ना भूल जाता हूँ दीदी कि क्या मांगू उससे क्या बोलना है, उसके सामने जाता है झुक जाता हूँ क्या बोलूँ इसको यार, उसको सब मालूम मेरे आगे पीछे कितना जन्म से वो मेरे को जानता है। और एक आपको यही बोलना है क्या, अगर कुछ अच्छा कोई सबक देता है जैसे विनी अम्मा ने मुझे अपने साथ रखा, उन्होंने आज जो भी अच्छा है ना मेरे अंदर आप मेरे को सुन रहे बस उसकी देन बाबा और विनी अम्मा है, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं क्या आपके सामने बड़े बड़े लोगों के सामने मैं बैठ के बात करूँ, ये सब उस जो भी अच्छा बन दिया है ना बाबा ने और विनी अम्मा ने दिया भैया, मतलब जो भी मेरे अंदर अच्छा ही है जो भी एक्सपीरियंस हुआ बाबा के सब विनी अम्मा की देन है मेरे लिए बस। वो मतलब बाबा बोलता है ना, मैं कल भी बोला था ना मैं बहुत रॉन्ग साइड में चला गया था, कल मेरे को ना मेरा पुराने दिन याद आ गए जब सबूरी हम वहाँ मुक्ति केंद्र में मैं पहले ना परेशान हो गया था, मैं बोला ये क्यों लेके जा रहा है इधर क्या करना है उधर जाके, फिर मैं संदीप भाग वो भी बोल रहा था यार ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम जाते हैं किधर घूम के आते हैं शाम को 4 बजे का प्रोग्राम है ये क्यों, लेकिन जैसे मैं गया ना वो बात करना मुझे मालूम नहीं उसमें क्या है, तब तक वो ये भी मालूम नहीं था मुझे सुजय भाई ऐसा भी काम करते। तो जब मैं गया ना थोड़ा थोड़ा मुझे याद लाने लगा यार मेरा एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले मैंने ड्रग्स लिया था, मैं कुछ गलत काम मेरे हाथ से बहुत गलत काम हुए थे, लेकिन मुझे नशा केंद्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ा, बाबा ने मेरे लिए एक केंद्र घर में ही बना के रख दिया, वो विनी अम्मा थी, उसके साथ रहने के बाद भी मैं कुछ गलत काम करता था, लेकिन बाबा ने मुझे इतना सीधे रास्ते पर लेके आया वो सब देन बाबा के माध्यम से विनी अम्मा ने करवाया, बस यही मेरा स्टोरी है। और सबको एक बोलना है 15 तारीख को विनी अम्मा का 1 ईयर बरसी है, मैं आपको सबको हो सकता है तो आप शिरडी में आने की कोशिश करें, हम जो अमरोजन शिरडी बुक्स है वो फिर से रिपब्लिश हमने बंद करवा दिया था वो फिर से कर रहे हैं, और वो दो बुक्स पब्लिश कर रहे हैं उस दिन पे, मतलब पुराने हो रहे हैं लेकिन जस्ट कवर क्योंकि एकाएक सडनली वो
हुआ क्या, विनी अम्मा को किसी ने मेरे को बोला कि यार माँ के लिए कुछ करते हैं, तो मैंने बोला कि वो बुक्स रीप्रिंट करवाना शुरू कर देते, रिपब्लिश करवाना, तो 15 तारीख को वो भी हो रहा है। अगर हो सकता है आपके ब्लेसिंग्स और आपको शिरडी, तो प्लीज़ मैं आपको अभी से सबको आमंत्रित करता हूँ, तो प्लीज़ होम साइड रैप। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और मतलब इतने एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, बट कुछ थोड़ा बहुत जो भी है मेरे साथ शेयर किया, बहुत शेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम भी नहीं है। और टाइम टाइम पे अभी सुजय जी को मैंने कल ही बोला है आपको बहुत सारे बुक्स लिखना है, कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैंने आपको वैसे भी बोला है, मेरे पास जो भी कुछ कुछ नया मटेरियल आता है अभी मैं आपको ज़रूर आप देता रहूँगा, क्योंकि अभी मैं तो बुक लिखने वाला नहीं हूँ और लोग तो आते हैं मिलते हैं और मैं आपसे ही मिलाते जाऊँगा। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग आते हैं बाबा के कारण, विनी अम्मा के कारण, साई मंदिर कोरालय के कारण मिलते, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो विनी माँ का काम है अभी धीरे धीरे सुजय भी लिखने का अच्छे से अच्छा शुरू करे। स्टोरी तो ठीक है सुजय जी, लेकिन अभी ना मतलब कुछ यूनिक लिखना शुरू करो विनी अम्मा जैसा भी, यही आपसे वही मैं बाबा से भी दुआ करूँगा आपके लिए और सभी कोलकाता वासियों को थैंक यू, आपने एक इतना अच्छा प्रोग्राम के लिए हमको इन्वाइट किया। ये मेरा पहला प्रोग्राम है आई थिंक, मैं मतलब माँ के साथ जाता था लेकिन मैं फर्स्ट टाइम बुक हाथ में लिया, ओपनिंग किया, ये मेरा फर्स्ट है। थैंक यू सुजय जी, थैंक यू सो मच, ओम साईरा। कल हमने उनकी बुक का लॉन्च किया मिरेकल्स ऑफ साई फॉर एवर एंड बियॉन्ड, जिसमें कि 36 मिरेकल स्टोरीज है बाबा की, जो कि भक्तों ने शेयर किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड से। तो अगर आप वो पढ़ना चाहें तो आप उसे अमेज़ॉन में या फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर आप विदेश से हैं तो मुझे आप कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको एक नंबर दूंगा, वहां से आपको पूरे विश्व में भी ये शिप हो सकती है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं, पास में बेल आइकॉन है उसे दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे हर थर्सडे के एक वीडियो के। एंड इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, ओम साई राम लिखें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इसे पहुँचाएँ, ताकि हमारे इस साईनाथ महाराज की कृपाओं के बारे में उन्हें भी पता चल सके, इनकी लीलाओं के बारे में उन्हें भी पता चल सके और वो भी अपने आप को उनके साथ जोड़ सके। थैंक यू, धन्यवाद, ओम साईं राम।